ابو بکر آپ کی کنیت ہے،
अतीत ये आपके लकब है, आपके वाली अबू कुहाफा उस्मान, आपकी मां का नाम हजरत उम्मुल खैर सलमा है और गालिबन सातवीं पुश्त में शजरे नसब के एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे नसब में आपका शजरा मिल जाता है। आप वाकिया फील जो हाथी वाला वाकिया हुआ उसके ढाई बरस के बाद आप मक्का शरीफ में पैदा हुए। खानदान कुरैश के मौजस शख्स, दौरे जाहिलियत में भी आपकी इज्जत और वकार कुरैश में रहा है और उस वक्त ऐसे 11 शख्स थे, इनमें जनाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सर फहरिस्त थे। अगर कोई फैसला करना हो इस एतबार से आप जज, लोग आपके पास आते थे, आप फैसला कर देते थे और इस्लाम की तारीख में भी आप देखें कि नबियों के बाद जिसका मकाम उम्मत रसूल में बहुत बुलंद और बाला है वो आप ही की जात है। आजकल लोग इस मसले में भी झगड़ा करते हैं कि पहला नंबर किसका, तो इसमें आप जवाब हमारे ही सिलसिले अशरफिया कि एक मौजज और मोहतरम बुजुर्ग जिसे हम मुहद्दिस आज़मीन के नाम से जानते हैं, आपने नात के एक मक्ते में आखिरी शेर में ये बात कह दी, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं, सिर्फ नबी नहीं है वरना हर फजीलत कि आप जामे हैं। और हुजूर अली सलातो सलाम ने भी आपके तालुक से फरमाया कि अगर मैं आखिरी नबी बनकर के ना आता तो मेरे बाद कोई नबी होते तो हजरत अबू बकर होते रज़ी अल्लाह तआला, और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के तालुक से भी अल्लाह के नबी ने यह इरशाद फरमाया है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हजरत उमर होते, मगर चूंकि मैं आखिरी नबी बन करके आया हूं अब मेरे बाद कोई नबी नहीं। शिया हजरत कहते हैं कि अली शरीफ फहरिस्त और शियाओं की तो मैं क्या बात करूंगा, लेकिन 32 से ज्यादा फिरके हैं शियाओं में और ये फिरका तो ऐसा है जो हजरत अली को खुदा मानता है और एक फिरका ऐसा है जो आपको नबी भी मानता है, जो आपको खुदा मानते वो आप ही की हयात जाहिर में ये फिरका था। आपने जब उनका कत्ल किया, उनको मारना शुरू किया तो कहते क्या थे कि आप हमारे खुदा हो चाहे हमें जिंदा रखो या मार डालो। इसलिए मसल के अहले सुन्नत वल जमात एक ऐसी जमात है कि जिसका बंधारण कुरान और हदीस और सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के कौल के ऊपर, उनकी जिंदगी के ऊपर हमारा जो मसलक है अहले सुन्नत वल जमात। कोई अगर कहता है किसी के
बारे में तो हम पहले कुरान को देखेंगे कि कुरान क्या हुक्म देता है, नबी के कलाम हदीस में इसका क्या जिक्र है। तो हम इस एतबार से कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसला करते हैं कि कौन अफजल कौन आला। ऐसी बेइंतहा दलाइल और फजाइल कुरान और हदीस की रोशनी में जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के ताल्लुक से मिलते हैं। और ये तो देखिए हमारे बुजुर्ग ने मतलब मसला बाजे कर दिया, दो ही मिसरों में मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद अब फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। दो ही मिसरों में आपने मसले को हल कर दिया कि कोई अगर पूछे कि कौन अफसर कौन आला किसका पहला नंबर, तो बस आपको यही शेर पढ़ के उनको सुना दो कि हमारे दादा पीर का ये मौकफ रहा, उनका यकीदा रहा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हो की जाते बरकत है। अब इनके ताल्लुक से हजरत अली क्या फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला। एक रास्ते से मौला कायनात का गुजर हुआ तो आपने देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े चादर डाले बैठा हुआ है, और जब हजरत अली ने उनको देखा तो कहा कि कल कयामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक जो कपड़ा ओढ़ करके जो शख्स बैठा है इससे अफजल वाला कोई नहीं होगा, कदर वाला कोई नहीं होगा। इतना बोल के आप चले गए, कुछ लोगों ने जाके देखा लाओ देखे ये कपड़ा ओढ़ के बैठा कौन है। तो जब गए कुछ सहाबा और कपड़ा हटाया तो अबू बकर सिद्दीक की जाते बरकात बैठे हुए थे। ये हजरत अली का मौका है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो क्या फरमाते हैं आपके ताल्लुक से कि या अल्लाह तूने मुझे इंसान बनाया, इससे बेहतर होता कि तू मुझे अबू बकर सिद्दीक के जिस्म का इबाद बना देता। अबू बकर के जिस्म का एक बार तू मुझे बना देता। ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में जब आप बिस्तरे अदालत पर थे बीमार थे और आपने अपने कमरे ही से यह ऐलान कर दिया कि अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए मेरी जगह, उस वक्त शायद मस्जिद में वो थे नहीं या लेट पड़े तो देखा कि वो तो नहीं है, तो उमर से कहो। साहबा ने कहा कि उमर से कहो कि वो पढ़ाए। अल्लाह के रसूल से पूछ लो। जब सरकार से पूछा कि उमर पढ़ाए तो कहा अल्लाह नहीं नहीं अबू बकर से कहो कि वो मेरी जगह पर नमाज पढ़ाए। अब सोचिए हजरत अली यही बात आपके साथ बैठ करते हुए जब खिलाफत का मामला आया कि बैठ करनी है तो आपने मिंबरे रसूल पर बैठ करके तकरीर की और दौरान तकरीर आपने चारों तरफ मस्जिद में नजर डाली तो हजरत अली नहीं थे, क्योंकि बैठ लेनी थी खिलाफत की, क्या वो अमीरुल मोमिनीन पर है। तो देखा कि आई ना अली अली का नाम है। हजरत अली को बुलाया गया, आप तशरीफ लाए। कहा क्या मामला है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने कह दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अपनी हयात ज़ाहिरी में मुसल्ले इमामत पर आगे किया और हमने आपके पीछे नमाज पढ़ी, जिसको अल्लाह के नबी ने आगे किया उसे हम पीछे कैसे कर सकते हैं?